दोस्तों, अगर आप मुकम्मल तौर पर नॉर्मल जमीन पर पैदा हुए हैं तो आप खुशियां मनाएं, क्योंकि जमीन पर चंद ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं जो अपने चेहरे की जिल्द से आंखों को छुपा लेते हैं। यहां तक कि एक बुढ़िया औरत के माथे पर सींग भी हैं। हैरत और मालूमात से भरी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मिस कैंजी। क्या कभी आप ऐसी लड़की के सामने खड़े हुए हैं जिसकी बाइट इतनी ज्यादा हो कि वो आपकी नीचे गर्दन करके देखे? जी हाँ, ऐसी लड़की को वीडियो में देख सकते हैं, जिसका नाम है मिस केंजी और ये 17 साल की है। ये लड़की टेक्सस से ताल्लुक रखती है। इसकी लंबाई तकरीबन 208 सेंटीमीटर है। इसकी लंबी हाइट की वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल कर लिया गया है। हैरत की बात यह है कि इसकी बाई टांग की लंबाई 135 सेंटीमीटर है, जबकि दाएं टांग की लंबाई 130 सेंटीमीटर है। इस लड़की की हाइट का रिकॉर्ड आज तक और लड़की कोई नहीं तोड़ सकी। अपने जिस्म की इतनी हाइट के साथ इसे जिंदगी में बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, जैसे कि गाड़ी में सवार होते वक्त अपनी दोनों टांगों को मोड़ना या फिर किसी दरवाजे से गुजरना। लेकिन खुशी वाली बात यह है कि वो वॉलीबॉल खेलते हुए आसानी से बॉल को दूसरे पोल में डालकर गोल कर सकती है और आज ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस भी हो चुकी है। दोस्तों, अब इस अगली वीडियो में देखिए सींग वाली बूढ़ी औरत। चीन में रहने वाली 100 साल बुढ़िया से मिलिए। ये दुनिया की वाहिद बुजुर्ग खतून है, इसके सर पर सींग है और ये बूढ़ी औरत 2009 में उस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आई जब लोगों ने इसका बढ़ता हुआ एक साइड पर सींग देखा। साइंसी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जिस्म में एक खास प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम कैरोटीन प्रोटीन है। उसकी मकदार बढ़ने और उसमें खराबी होने की वजह से बुढ़िया के सर के एक साइड पर कुदरती तौर पर सींग निकल आया है। इसकी लंबाई तकरीबन 6 सेंटीमीटर तक पहुंच चुकी है। एक इंटरव्यू में बूढ़ी औरत ने बताया कि ये सींग उसे सोने में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अब ये बूढ़ी औरत अपनी पोतियों के साथ वक्त गुजारती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देवी भी समझते हैं। कई लोग इसे बदकिस्मती का इंसान भी समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बूढ़ी औरत बहुत जल्द अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लेगी, क्योंकि ये दुनिया की वाहिद खातून है। इस जैसा दुनिया में और कोई मौजूद नहीं है। दोस्तों, आप इस अगली वीडियो में देखिए। इस वीडियो में नजर आने वाला ये इंसान किसी हाथ से जुल्म या जबर की वजह से टांगों से मजदूर नहीं है, बल्कि इसे एक जेनेटिक बीमारी लगी है। दरअसल ये बचपन में ही एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ। उस बीमारी की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ नीचे तमाम हिस्से बढ़ने से रुक गए थे। यही वजह है कि इसकी दोनों टांगे नहीं है। वीडियो में नजर आने वाला ये शख्स आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारता है, बहुत मेहनत करता है। मिसाल के तौर पर उसने अपने लिए स्पेशल ट्रेनर का इंतखाब भी किया है, जिसे रोजाना की बुनियाद पर ट्रेनिंग करवाता है। इसका कहना है कि मुझे कुश्ती के मुकाबले बहुत पसंद है, लिहाजा मैं पिछले 5 सालों से कुश्ती के मुकाबले करने के लिए रोजाना प्रैक्टिस करता रहता हूं। इस नौजवान ने आला तालीम भी हासिल कर रखी है। अपने फारिग टाइम में ये म्यूजिक सुनता और पियानो बजाता है। एक इंटरनेशनल सतह और कौमी टेलीविजन पर ये इंटरव्यू के दौरान इसने बताया कि मेरी ख्वाहिश है मैं रेसलिंग मुकाबलों का चैंपियन बनूं। आजकल नेटफ्लिक्स के प्रोड्यूसर्स ने इसके साथ एक मुआहदा किया है। अब आने वाली नई वीडियो में नेटफ्लिक्स के प्रोड्यूसर इस पर एक मोटिवेशनल स्टोरी बनाने वाले हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वीन ऑफ डार्क। लोग अपनी जिल्द को चमकाने और सफेद बनाने के लिए क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, मगर मिलिए ये जनूबी सूडानी मॉडल थे जो अपनी स्याह रंगत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इसका नाम है निया किम गैटोच। इसकी इस स्याह जिल्द ने इस क्वीन को डार्क का लकब दिया है। इसका कहना है कि खूबसूरती तमाम रंगों में आती है। अपने ब्लैक कलर की वजह से इंस्टाग्राम पर इसके 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं और आजकल ये दुनिया के टॉप मॉडल्स में शामिल है। एक इंटरव्यू में इसने बताया कि इन्हें बचपन में ही फैमिली समेत अमेरिका जाना पड़ा और घर से निकलते वक्त उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अपने इंटरव्यू में इसने मजीद बताया कि लोग ज्यादा उस वक्त हंसते हैं जब उन्हें स्क्रीन पर मेरे सिर्फ सफेद दांत ही नजर आते हैं, लेकिन मुझे इससे खुशी होती है कि मैं दुनिया की वाहिद खूबसूरत ब्लैक कलर में एक मॉडल हूँ जो दुनिया भर में लाखों फैंस भी रखती हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं सारा ग्योर्टस।
वीडियो में नजर आने वाली ये सारा ग्यूटस 29 साल मॉडल है, जो कि एक सैंड्रोम बीमारी जिससे जिल्द पतली हो जाती है पिछले 10 सालों की उम्र से मुब्तला है। हमारे जिस्म में पाए जाने वाले कैनकट्यू टिश्यू कमजोर होने की वजह से इंसान की जिल्द नाजुक और पतली हो जाती है। सारा इस तरह की जिल्द के साथ दुनिया की एक मुनफरिद औरत है। इसने अपनी लचकदार जिल्द का सहारा लेकर सोशल मीडिया पर अपने लाखों फैन बना लिए हैं। शुरू शुरू में ये पेट के मसाइल में मुब्तला थी, जिसकी वजह से इसका वजन तकरीबन 18 पाउंड कम हो गया। इसके साथ साथ उसे सेहत और भी मसाइल पैदा हो गए थे। अब ये इंस्टाग्राम पर एक मॉडल के तौर पर पर्सनैलिटी बन चुकी है और अपनी सेहत के बारे में अपनी ऑडियंस को आगाह भी करती रहती है। अपने एक इंटरव्यू में इसने बताया कि इंसान को अपने जिस्म और अपनी शक्ल को लेकर हमेशा मुस्बत रहना चाहिए। आज मेरी इस तरह की जिल्द की वजह से लाखों लोग मुझे प्यार करते हैं। अपनी ऑडियंस का इतना प्यार देख कर ये अपनी बीमारी को भी भूल चुकी है। दोस्तों, आप बात करते हैं इंडियन लॉस। वीडियो में नजर आने वाली ये लड़की दुनिया की सबसे अनोखी लड़की है, जिसकी जुबान तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी है। ये लड़की अपनी जुबान से अपने नाक, अपनी ठोड़ी को, यहाँ तक कि ये अपनी कोहनी को भी छू सकती है। इसने अपनी जुबान की कहानी पर एक किताब भी लिख डाली है। इसकी उम्र तकरीबन 13 साल है। अपने एक इंटरव्यू में इसने बताया कि मैं अपनी जुबान से अपनी आँखों को बंद कर सकती हूँ। जुबान की लंबाई की वजह से जिस्म में पाया जाने वाला एक खास हार्मोन अपनी मुकर्रर तादाद से ज्यादा बढ़ जाता है। अपनी जुबान को लेकर लड़की आज सोशल मीडिया पर एक पर्सनैलिटी और एक मुनफरिद लड़की के तौर पर जानी जाती है। इस लड़की के मिलियंस में फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसकी फैमिली और अजीजों अकारिब तमाम छोटे बच्चे इसकी लंबी जुबान के निकलने पर डर जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं विकिलियोस। दोस्तों, ये हैं विकिलियोस। ये सिर्फ 4 साल की हुई थी कि इन्हें एक नायाब जिनियाती बीमारी ने घेर लिया। इसकी वजह से इसके मुंह पर सिर्स की मकदार इस तरह बन गई कि इसके चेहरा आम इंसानों से बड़ा होने लगा और इसके चेहरे के अंदर बहुत सारे इजाफी गदूदें जमा हो चुकी हैं। इस वजह से इसके चेहरा बचपन में ही आम औरतों की निस्बत बड़ा हो चुका था। लड़की ने अपनी स्टोरी में बताया कि उन्हें इस लम्हात में बहुत दर्द भी सहना पड़ा। उसकी आंखों और सर की हड्डियों में अक्सर दर्द रहता है, लेकिन उम्र के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है। इसके तकलीफ में कमी नहीं आ रही। शुरू में लोगों ने इस पर मजाक करने की कोशिश की थी। अमेरिकन डॉक्टरों ने इस लड़की के चेहरे की मोटाई को खत्म करने के लिए इससे राब्ता भी किया, लेकिन इसने इनकार कर दिया। लड़की का कहना है कि मेरा चेहरा बाकी औरतों से अलग है, इसलिए मैं एक अलग पहचान रखती हूँ। अपनी गैर मामूली चेहरे की वजह से ये लड़की अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं नादिया लारसिला। दोस्तों, अब मिलिए 26 साल नादिया लारसिला से। ये लड़की फोकोमिलिया सिंड्रोम बीमारी के साथ पैदा हुई। इस बीमारी की वजह से पैदाइश के वक्त इसकी हड्डियां भी मुकम्मल नहीं थी और ये बगैर बाजुओं की पैदा हुई। और सिर्फ हैरानी की बात यह है कि ना सिर्फ बाजू बल्कि इसकी टांगों के कुछ हिस्से भी गायब थे। इसकी जिंदगी मजदूरी में कट गई है, लेकिन अब इसने 2 मसनूई टांगे भी लगा ली है। यहाँ तक कि ये अपने मसनूई पैरों की मदद से मोबाइल, मेकअप और बाकी रोजमर्रा जिंदगी का काम भी आसानी से कर लेती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या कुछ सीखने को मिला, और अगर ये वीडियो आपको मजेदार लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।